हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम लोग यार एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कहाँ की पेंटिंग्स, कैसी पेंटिंग्स, अभी बताती हूँ। सो यार हम लोग डिस्कस करेंगे आज हिमाचल के पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है? कि हिमाचल में कैसे कैसे पेंटिंग्स जो है ये ओरिजिनेट होती है विद टाइम। पेंटिंग्स जो है कल्चर का पार्ट है हिमाचल में, और हर साल हमें पेंटिंग्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एचएस हो, एनटी हो, अलाइड हो, हर एग्जाम्स में हमें पेंटिंग्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यार इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली पेंटिंग्स में से। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आप हमारी ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है स्टडी अफेयर्स। स्टडी अफेयर्स, आप लोग स्टडी अफेयर्स की आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपको हमारे सभी कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले एक ओवरव्यू बताऊंगी आप लोगों को क्या क्या देखने वाले हैं हम पूरे वीडियो में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पेंटिंग्स। यार देखो तीन चीजें हम इसमें देखेंगे मेजरली, ठीक है? पूरे वीडियो में हम तीन चार चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो डिस्कशन का हमारा पॉइंट होगा वो होगा व्हाई एंड व्हेन, मतलब क्या, मतलब कि जो पेंटिंग्स है ये हिमाचल में क्यों एंटर हुई और कब एंटर हुई, ठीक है? पहले तो हमें स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए ना कि यार पेंटिंग्स एंटर हो रही है तो क्यों एंटर हो रही है, क्यों पेंटिंग्स बन रही है हिमाचल में, ठीक है? सेकंड थिंग, हम देखेंगे कुछ पेंटिंग के टाइप्स, टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है? कुछ पेंटिंग्स के टाइप देखेंगे हिमाचल में। थर्ड थिंग हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। अब ये स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स क्या है यार, पता क्या, सिंपल सी भाषा में समझो कि फॉर एग्जांपल अलग अलग एरियाज में जो है पेंटिंग्स डेवलप हो रही है। अब अगर ये हिमाचल है, एक स्कूल यहाँ पे, एक यहाँ पे पेंटिंग्स डेवलप हो रही है, एक यहाँ पे, तो इनको अलग अलग स्कूल बोला जाएगा पेंटिंग के, ठीक है? कि ये पेंटिंग का स्कूल ए ये है, स्कूल बी ये है। तो स्कूल ऐसे ही, बस बेसिकली स्कूल ऐसे नहीं समझना थे यार जहां आप लोग पढ़ते हैं, है ना, वैसे वाले स्कूल, ठीक है? तो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बेसिकली पेंटिंग्स का ओरिजिनेशन जहां जहां जिन जिन जगहों पे हो रहा है उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में। तो बहुत सारे 35 के करीब स्कूल ऑफ पेंटिंग हमें हिमाचल में देखने को मिले थे, ठीक है? सबसे पहले आते हैं पहले टॉपिक पे, व्हाई एंड व्हेन पे, कब और क्यों हिमाचल में पेंटिंग्स का ओरिजिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो पेंटिंग्स ओरिजिनेट होने के पीछे यार दो रीजंस है, ठीक है? टू रीजंस, क्या रीजंस है? सबसे पहली चीज देखो, पेंटिंग्स जब हिमाचल में ओरिजिनेट हो रही है ना, दिल्ली में मुगल्स का रूल चल रहा है, मुगल्स रूल कर रहे हैं दिल्ली में। अब यार जिन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप लोग सिर्फ स्टोरी लाइन को समझते जाएं, ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना, फिर कंफ्यूजन आएगा। मुगल्स है एक पावर जो दिल्ली में बैठी हुई है, इस्लाम, ठीक है? दिल्ली में ये लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां पे ना मुगल्स के टाइम पे कुछ लोग, कुछ इनके राजा है जो ऐसे थे जिनको पेंटिंग्स का बड़ा शौक है, ठीक है? जैसे आपके जहांगीर, जैसे आपके शाहजहां,
ये कुछ इनके राजा हैं जिनको पेंटिंग्स का बड़ा शौक है। क्या कर रहे हैं? पेंटिंग्स बना रहे हैं। अब इनका जो दरबार है यहां पे कुछ पेंटर्स क्या हैं? हिंदू हैं। कौन पेंटर्स है जी? हिंदू पेंटर्स है। पेंटर्स हिंदू है, लेकिन जो ये पेंटिंग्स बना रहे हैं ना इनके लिए, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली आपको पता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, ठीक है? तो ये बना पेंटिंग्स कौन सी रहे हैं? मुगल्स की पेंटिंग्स बना रहे हैं। स्टाइल कौन सा फॉलो करेंगे? मुगल स्टाइल। समझ आई इतनी बात? अब यार पता क्या होता है, इन दोनों के बाद ना कुछ राजा ऐसे आएंगे जैसे औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब एक ऐसा राजा आएगा जो पेंटिंग्स में मानेगा नहीं, जिसको कोई पेंटिंग्स का शौक नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलेगा कि जो पेंटिंग्स है वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, ठीक है? अब यार जो इनसे प्रीवियस राजाओं ने ट्रेन करे हैं ये हिंदूज जो कि पेंटिंग्स बना रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? इनकी तो रोजी रोटी छिन गई ना यार, अब इनको आता भी काम कुछ नहीं, पेंटिंग्स करने के लिए बैठे हुए थे, ठीक है? तो अब ये क्या करेंगे, ये लोग जब औरंगजेब के दरबार में इनको काम नहीं मिल रहा तो ये क्या करेंगे, इधर उधर जाना, माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पेंटर्स राजस्थान जाएंगे वहां पे ये बनाएंगे राजपुताना पेंटिंग्स, ठीक है? अब कुछ पेंटर्स कहाँ माइग्रेट हो जाएंगे? हिमाचल में। पहला रीजन तो हो गया ये, अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन है यार मुगल डिक्लाइन। मुगल डिक्लाइन, देखो मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है जब, अब जब ये औरंगजेब के बाद का टाइम आएगा ना, मुगल्स इस टाइम ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे, यानी ये मुगल्स की जो ये सत्ता थी कहां पे, दिल्ली में, ये खत्म होने लग गई, गिरने लग गई। उस टाइम पे जो बचे खुचे पेंटर्स थे ना इनके दरबारों में, जो बचे खुचे पेंटर्स मुगल स्टाइल में पेंटिंग कर रहे थे, वो क्या करेंगे, वो यहां से माइग्रेट हो जाएंगे कहां? हिमाचल, ठीक है? समझ आई इतनी बात? अब ये लोग कहां माइग्रेट हो जाएंगे? हिमाचल को माइग्रेट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां से इस तरह क्या होगा, आपके जो पेंटर्स हैं वो जब हिमाचल में माइग्रेट होंगे, अब ये हिमाचल में आके क्या करेंगे, अपने ही प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और हिमाचल के कुछ राजा होंगे यार ऐसे जो इनको अपनी पनाह दे देंगे बेसिकली अपने राज्य में, तो वहां पे जाके अब ये पेंटिंग्स बनाना शुरू करेंगे। अब जब ये हिमाचल में एंटर हो गए यहां से, कौन? हिंदू पेंटर्स। तो हिमाचल में सबसे पहली एक नाम याद रखना है आपने, गुलेट। ठीक है, कांगड़ा के नजदीक जगह थी। एक और चीज याद रखनी है यार, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सा बनेगा? पहाड़ों में, जहां पे पहाड़ी पेंटिंग्स बनेगी, बशोली, ठीक है? बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग ओल्डेस्ट है, कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। जम्मू एंड कश्मीर एरिया में बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग बनेगा जो कि ओल्डेस्ट होगा, ठीक है? अब गुलेर के कुछ राजा ऐसे होंगे जो ये जो पेंटर्स आए हैं इनको अपनी रियासत में पनाह देंगे, ठीक है? अब जब ये पेंटर्स यहां रहने लग गए तो ये पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? धीरे धीरे ये स्प्रेड करेगा, धीरे धीरे कांगड़ा में स्प्रेड होंगी, फिर धीरे धीरे आपका चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट होगा। तो इस तरह हिमाचल में हमें ये जो मुगल का डिक्लाइन हो रहा है, इसके बाद हमारे को हिमाचल में पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। समझ आई बात? ठीक है, अब ये अलग अलग एरियाज में स्प्रेड होती चली जाएगी, मंडी, कुल्लू, ठीक है? अलग अलग पेंटिंग के स्कूल्स ओरिजिनेट होंगे, अर्की में पेंटिंग का स्कूल ओरिजिनेट होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई पेंटर्स चले गए हैं, अब पेंटर्स गए यहां से ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुए। तो ओल्डेस्ट तो बशोली है, लेकिन बशोली आता है जम्मू कश्मीर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, तो इसके बारे में भी हमारे को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
पहाड़ी, क्योंकि क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे भी कौन सी पेंटिंग्स बन रही है, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। स्टाइल कौन सा है हमारा, पहाड़ी। जैसे मैंने बोला ना अलग अलग स्टाइल्स बनेंगे, अब अगर राजस्थान गए तो वहां पे कौन से स्टाइल में बनाई, राजपुताना स्टाइल। हिमाचल जम्मू कश्मीर यहां पे कौन सा स्टाइल ओरिजिनेट हुआ, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेट हुआ। समझ आई बात। अब जो पहाड़ी स्टाइल है ये सबसे पहले आया बशोली में, ठीक है, बशोली में आया, और हिमाचल के किस एरिया में आया सबसे पहले, गुलेट में आया। समझ आई बात। अब यहां से ये स्प्रेड करेगा धीरे धीरे जो है पूरे के पूरे एरियाज। तो ये तो बात हुई वाई एंड वेन की। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है आपका टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। टाइप्स जी। सो अब डिस्कस करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि है टाइप्स। कितनी तरह के पेंटिंग्स हमें हिमाचल में देखने को मिलेगी, तीन तरह की। देखो सबसे पहली है मिनिएचर, सेकंड है वॉल पेंटिंग्स, थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। हां जी, अब देखो तीन तरह के पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। डिफरेंसेस क्या है, मिनिएचर या नाम से भी आप समझ सकते हो स्मॉल, और स्टिफ हैंडमेड पेपर पे बनाई जाती थी, ये हैंडमेड पेपर पे बनाई जा रही है, इसको बोलेंगे हम मिनिएचर पेंटिंग्स। सेकंड वॉल पेंटिंग्स, नाम से पता लग रहा है यार, दीवारों पे पेंटिंग्स हो रही है, डोर्स पे डेकोरेशंस हो रही है, इस तरह की डेकोरेशंस को हम क्या बोलेंगे, वॉल पेंटिंग्स। थर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट है बेसिकली कहीं पे किसी चीज पे कोई चीजें लिख ली विद डेकोरेटिव स्क्रिप्ट, उसमें साथ में पेंटिंग्स भी कर ली बीच में, इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स बनी उनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये तीन तरह की पेंटिंग्स जो है वो ओरिजिनेट होंगी हिमाचल में। अब बात करते हैं लास्ट। अब यहां से जो ये आई हुई है ना यार, जितने भी पेंटर्स आए ये अलग अलग स्कूल्स बनाएंगे पेंटिंग्स में, स्कूल्स जो कि मैंने अभी भी बताया आपको, बशोली स्कूल। अब जब बशोली गए वहां पे अलग से स्कूल ऑफ पेंटिंग बन गया, कांगड़ा में अलग से स्कूल ऑफ पेंटिंग बन गया, ठीक है जी, चंबा में अलग से स्कूल ऑफ पेंटिंग बन गया, अर्की में अलग से बन गया, ठीक है। तो ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, अब हमारे लिए इनमें जानना जो भी इंफॉर्मेशन है ना हमारी प्री की, वो सारी की सारी यहां छिपी हुई है इन स्कूल्स में। जो ये स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं यहां से क्वेश्चंस बनने हैं, इनको हमें पढ़ना है डिटेल में कि कौन सा स्कूल किस तरह से क्या पढ़ना है, ये भी अभी बताते हूँ आप लोगों को। लेकिन जो ये बाकी का पोर्शन है, ये तो इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए पेंटिंग्स क्यों आ रही है, कितनी तरह की पेंटिंग्स बन रही है, ठीक है। और जो ये स्कूल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्कूल्स के साथ जी। सो लेट्स डिस्कस दीज स्कूल्स ऑफ पेंटिंग वन बाय वन। अब देखो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को कि पेंटिंग्स के लिए हमें प्री के लिए क्या पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सारे स्कूल्स को। देखो सबसे पहली चीज, कुछ राजा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, कुछ किंग्स इंपॉर्टेंट होंगे हर एक स्कूल के। अब कौन से किंग्स इंपॉर्टेंट होंगे, किंग्स में भी इसमें अलग अलग लाइन आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किंग होगा जिसके टाइम पे ओरिजिनेट होगी पेंटिंग, ओरिजिन किसके टाइम पे हो रहा है, किसके टाइम पे राज्य में एंटर कर रही है पेंटिंग। सेकंड, कोई ऐसा किंग होगा जिसके टाइम पे पीक में हो जाएगी पेंटिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड, कोई ऐसा किंग होगा जिसने फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी होगी, फाइनेंसेस प्रोवाइड करे होंगे काफी ज्यादा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे को पढ़ना है पेंटिंग, ठीक है। एक तो किंग्स देखने हैं कि कितने किंग्स किसके टाइम पे ओरिजिन हो रहा है, किसके टाइम पे पीक पे जा रही है, किसके टाइम पे फाइनेंसेस कौन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड थिंग, हमें देखनी है थीम्स कि भाई थीम्स क्या है, इनके यहाँ पे थीम्स किस किस तरह से चल रही हैं, ठीक है।
थर्ड थिंग, हमें देखते हैं यहाँ के कुछ फेमस पेंटर्स। ये है प्री के लिए, प्री के लिए हमारे को ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत हमें ये भी पता होनी चाहिए कि कौन सी पेंटिंग्स किस पे फोकस कर रही हैं। कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पेंटिंग का, तो सिर्फ ये चीजें हमारे को प्री के पर्सपेक्टिव से देखनी है, और हम इसी तरह से देखेंगे हर एक स्कूल ऑफ पेंटिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बशोली। मैंने आप लोगों को बताया बशोली, बशोली कहाँ है जी? जगह हिमाचल में नहीं है, ठीक है, कठुआ। कठुआ कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर। कठुआ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सबसे अर्लीएस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग हमारे को देखने को मिलता है। अर्लीएस्ट जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है जी, ये हमें देखने को मिलता है बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। और सेकेंड थिंग, एक ही राजा इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों को याद रखना है यार, जिसका नाम है राजा कृपाल पाल। दो बार पाल आ रहा है नाम में, ठीक है। बशोली इज इक्वल टू पाल पाल, ठीक है, याद रह जाएगा। राजा कृपाल पाल के टाइम पे प्रोमिनेंस में आ रही है यहाँ पे पेंटिंग्स। इसका जो टाइमिंग थे 1678 से 94 तक थी, ठीक है। कृपाल पाल, पाल पाल बशोली, ठीक है, बशोली से लिंक्ड है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है, तो यहां से आप लोग थोड़ा याद रखते जाना है साथ साथ, ठीक है। अब एक और पॉइंट यार, इसके टाइम पे ना दिल्ली में औरंगजेब रूल कर रहा है। औरंगजेब, मैंने बताया ना विलन, विलन किसके लिए? हमारे लिए तो नहीं विलन, लेकिन जो वो हिंदू पेंटर्स है ना, जो दरबार में पेंटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, अच्छा खासा कमा रहे हैं, सोने चांदी मिल रहा है बढ़िया इनको पेंटिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, तो इनके लिए बेसिकली जो है औरंगजेब एक विलन हो गया, ठीक है। तो औरंगजेब विलन जी का किसके टाइम पे? कृपाल पाल जी के टाइम पे दिल्ली में रूलिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कलर्स यूज्ड सिंबॉलिकली, या कलर्स का यूज सिंबॉलिकली करते थे, यानी कि जैसे आप देखें तो रेड का यूज करते थे ये लव को प्रेजेंट करने के लिए, येलो का स्प्रिंग को, और साथ ही साथ अगर इनको रेन डिपिक्ट करनी है तो ये ब्लू कलर का यूज किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नायक नायिका पेंटिंग, यार वर्ड याद रखना, नायक नायिका पेंटिंग ना दो स्कूल्स में पढ़ोगे, एक तो भी यहीं से याद रख लो बशोली। बशोली में आपने क्या देखा? नायक नायिका पेंटिंग्स, ये पता क्या शो करती थी? इंटेंसिटी ऑफ लव शो किया करती थी ये बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। नायक नायिका पेंटिंग्स बन रही है जो कि इंटेंसिटी